डॉग्स आप क्या कर रहे हैं डिशवॉशर के साथ आज? बर्तन तो अभी धो लिए थे आपने, क्या कर रहे हो अभी? इसमें मैं और भी काम करती हूँ, ये देखो, ये सीमेंस ने बनाई तो थी बर्तनों के लिए, पर सॉरी सीमेंस, मैंने इससे एक काम अपना और कर लिया। क्या कर रहे हैं डॉक्टर साहब ये कोरोना के टाइम पे? हैं? कोरोना के टाइम पे कोरोना को धोने की तैयारी। कोरोना को धोने की तैयारी? अरे ये डिशवॉशर है, इसमें क्या कर रहे हो इसका? ये डिशवॉशर है, हम सबसे अलग काम करते हैं, ठीक है ना, तो डिशवॉशर में मैं सब्जियां भी धो लेती हूँ, अकेले बर्तन बर्तन ही धोती हूँ। ये सीमेंस वाले हम पे केस करने वाले हैं बस, है ना? केस क्यों करेंगे, उनको एक चीज नहीं बता रही हूँ, देखो हम इसमें सब्जियां भी धो सकते हैं और हाथों से ही बेस्ट धुलती है, मैंने एक बार नहीं पहले भी कई बार धो रखी है। ये आज तो मैं कोरोना के चक्कर में आपको बता रही हूँ कि ये सब्जियां जो है इसमें बहुत अच्छे से धुल सकती है, सारा कोरोना के जो कीटाणु है वो सारे दूर हो सकते हैं, ठीक है ना। तो इसके लिए ना ये जैसे ये मेरे पास पहले एक पुराने फ्रिज का पड़ा है, इसको हम इसमें रख देते हैं, ठीक है ना, हाँ, ताकि ये छोटी कोई सब्जी डाले या वो इसके नीचे ना जाए। मेन पर्पज क्या है कि इसका जो पंखा है ना, ये जो ये शावर है, ये शावर टच नहीं होना चाहिए जैसे नीचे वाला भी है, तो कोई सब्जी नीचे की तरफ ना निकले, इसके लिए मैंने इसमें ये डाल दिया। उसके बाद अब ये सब्जियां मैं सारी इसमें डाल देती हूँ, ये जैसे फ्रूट्स हैं, सब्जियां हैं, क्योंकि हम लोग मंडी से कई दिन की सब्जी लेके आते हैं, ये किसी मॉल वगैरह से या कहीं वो जाती है। अब तो कोरोना के टाइम पे वैसे भी लिमिटेड एग्जिट है, तो कम टाइम ही जा पाते हैं ना। हाँ जी, ग्रोसरी की जो ये साइट वाइट है उनसे भी आती है, तो उनकी तो धुली हुई होती है, लेकिन हमारी जो ये सब्जियां होती है ना, ये डायरेक्ट मंडी से आती है, इन पे रेत मिट्टी कीटाणु और स्मेल भी होती है, तो इसके लिए हमें इनको धोना बहुत जरूरी हो जाता है। और आजकल तो वायरस भी हो सकता है इनमें। हाँ, इसके लिए पहले मैं इनको सारी सब्जियों सिंक में डालती थी, सिंक में डाल के कई देर तक पानी चला देती थी, गर्म पानी डालती थी, ऊपर से फिर उसमें थोड़ा सा नमक या क्या है अपना विनेगर भी डालना पड़ता था, तो उसमें टाइम भी लगता था, धोती रहती थी, एक एक को रगड़ती रहती थी। तो जब से डिशवॉशर आया है उसके बाद मैंने इसके ऊपर एक एक्सपेरिमेंट और करके देखा, ये तो सर को या आपको ताज पहली बार बता रही हूँ, इससे पहले मैंने कई बार सब्जियां इसमें धो रखी हैं, तो और बड़ी अच्छी भी धुलती हैं, और अब मैं दिखाऊंगी भी आपको कैसे धुलती हैं, ठीक है ना। जैसे ये मैंने सारी सब्जियां इसमें रख ली हैं, ये सब्जियां इसमें आ जाती हैं, भी दिखा दो पहले न, तो उस पे बर्तन वाले पे एक ने कमेंट कर रखा था कि आपने धुले हुए बर्तन रखे हैं इसके अंदर फिर एग्जिट किया। ऐसा कुछ नहीं है, धुले बर्तन बर्तनों का भी बहुत अच्छा रहा, मतलब हर कोई जो भी इसको अफोर्ड कर सकता होगा, अफोर्ड क्या मतलब जो इच्छुक है वो ले सकता है, तो बड़ा अच्छा रिस्पांस है। हाँ, लेकिन इसके लिए जैसे कई सब्जियां होती है ना, जैसे आलू है, आलू पे मिट्टी लगी होती है अगर हम डायरेक्ट मंडी से लेके आते हैं, तो उसके लिए जो है रेत वाली चीजें इसमें नहीं डालनी है, क्योंकि इसके जो जाली है या वो फिल्टर है उसके रुकने का डर रहता है, तो इसके लिए जैसे आलू को मैंने एक बार थोड़े पानी में से निकाल लिया है। अब इसको जो है और अच्छे से धोने के लिए मैंने इसको फिर क्या किया, इसको इसमें डिश वॉशर में डाल दूंगी, और इसके लिए ये जाली है कि जो आलू है ये छोटे छोटे भी हैं, बड़े भी हैं, सब मीडियम साइज हैं, तो उसके लिए ये कहीं निकले ना, और कोरोना के कारण सब्जियां भी लिमिटेड आ रही हैं, तो जरूरत के हिसाब से सब्जियां लेके आनी पड़ रही हैं, तो उनको धोना भी बहुत अच्छे से जरूरी है, क्योंकि पता नहीं सब्जी कहाँ से चली आ रही है, किस किस के हाथों में से निकली हुई है, तो उसके लिए हमें इसको पहले से ज्यादा अच्छे तरीके से धोने की आवश्यकता है, तो उसके लिए फिर मैंने अब आपको दिखा रही हूँ कैसे धोऊंगी इनको। ये मैंने डाल दी सारी, ठीक है, ये हो गए, और उसके बाद जो है जैसे मिर्ची वगैरह होती है छोटी जो चीजें हैं वो मैं छोटी जाली वगैरह में डाल लेती हूँ, जैसे छोटी छोटी चीजें जो होती है ना उनको ऐसे किसी जाली में रख लेते हैं, या तो ऊपर रख देंगे या फिर यहाँ नीचे रख देंगे उनको, ताकि पानी अच्छे से निकल जाएगा, जैसे भिंडी होती है और कई हमारी ये फलियां होती हैं जैसे, तो उनके लिए अब इसको ये कर दिया। अब इसमें मैं या तो थोड़ा सा विनेगर डाल दूंगी, ठीक है, या फिर मीठा सोडा, मतलब डिटर्जेंट नहीं डालना इसके अंदर, ये ध्यान रखना। हाँ, ये डिटर्जेंट डाल सकते हैं, लेकिन जब ये चीजें जो है इनके कीटाणुओं को मारने के लिए बेस्ट हैं, तो उसके लिए मैं इसमें ये डाल दूंगी। ये मैंने इसमें डाल दिया, जहां से जैसे ये अपना बर्तन धोने के लिए सर्फ लेता है उसके लिए, ठीक है ना।
ठीक है, या मीठा सोडा नहीं है तो आप ये व्हाइट वाला विनेगर डाल सकते हैं, क्योंकि विनेगर डालने से भी जो सब्जियों के ऊपर जो कीटाणु होते हैं वो साफ हो जाते हैं, अच्छी हो जाती हैं। तो इसके लिए फिर अब इसको सिर्फ हमने किसी और पे नहीं करना है। क्या करेंगे, ये जो प्री रिंस होता है ना, प्री रिंस पे करेंगे हम इसको। प्री रिंस में क्या करता है, जैसे हमारे कप बर्तन गंदे होते हैं या सूख जाते हैं तो उसको एक बार पानी मार के और ये उसको गीले करने का काम करता है, तो इसी तरह से ये सब्जियों पे भी हमने इसी पे करना है। तो हम इसको प्री रिंस पे करेंगे। ये प्री रिंस पे सिर्फ ये 15 मिनट्स लेता है, तो उसमें ये अच्छे से धो देगा। अगर आपको लगता है कि नहीं है और एक बार फिर धोनी है तो आप इसको दोबारा भी धो सकते हो, लेकिन 15 मिनट्स में क्या करेगा, दो तीन बार जैसे उसको शावर करेगा अच्छे से तो उसमें सारा रेत मिट्टी कीटाणु निकल जाते हैं। और जैसे अब ये हमने मीठा सोडा डाल दिया है या विनेगर डालेंगे उससे तो और भी बेस्ट रिजल्ट आता है। तो अब इसको देखते हैं और आपको भी दिखाती हूँ कि ये कैसी सब्जियां धोता है और ये धोने का भी काम कर सकता है। तो वही फिर से सॉरी सीमेंस, मैंने एक नया एक्सपेरिमेंट कर लिया तो कोई बात नहीं, ये मेरा काम है, जो भी है आपकी मशीन खराब नहीं होगी और ये एक अच्छा आपके लिए प्लस पॉइंट होगा कि आप बता भी सकते हो कि इसमें सब्जियां भी धुल सकती हैं, लेकिन उसके लिए हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कुछ बातों का। तो ओके देखते हैं, ये कर दिया मैंने स्टार्ट और मिलते हैं आफ्टर 15 मिनट्स। इनको हम रगड़ेंगे तो बिल्कुल भी इनके ऊपर रेत मिट्टी नहीं है, ठीक है, सारे सारे चकाचक हो गए। ये देखो टन टन चकाचक, कोरोना को धो डाला वैसे भी अच्छे धोते हैं लेकिन आज कोरोना के टाइम पे हम कहेंगे ये देखो, ठीक है। वैसे भी ये मैंगो वगैरह इतने चिकटे चिकटे से आते हैं इनके ऊपर, पता नहीं कैसे कैसे हाथ होते हैं, मतलब लगा होता है कुछ कुछ इनके ऊपर एक दूसरे का रस वस लग के, फिर वो जहाँ पैकिंग करते हैं पैकिंग के रेशेज से ऐसे ऐसे चिपके होते हैं, तो वो सारे जो है धुल गए हैं। और ये छोटी सी घिया देखो नहा धो करके कैसी सुंदर हो गई है, ये इसकी चोटी हो गई ओके जी, अब आप भी इसको धो सकते हैं और कोरोना को धोना, घर में रहें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें। और हमारी तरफ से यही राय है कि इसको डिशवाशर को आप यूज कर सकते हैं सब्जी धोने में भी। ओके जी, थैंक यू, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बाय।